वायसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला अपोलो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गई है। डॉक्टर्स ने उन्हें 15 दिन तक घर में आराम करने का मशवरा दिया है। शर्मिला ने कहा कि केसीआर हुकूमत उन्हें पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, वो बहुत जल्द आवाम के दरमियान पहुंचेगी। गैर मुइना मुद्दत की भूख हड़ताल करने वाली शर्मिला की सेहत नासाज हो जाने पर पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से खबर शर्मिला ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि मुझे पिंजरे में बंद करना केसीआर के बस की बात नहीं, सूरज के तुलूप होने की कोई रोक नहीं है। मेरे लिए पार्टी कारकुनों ने जो कुर्बानियां दी है जिसको वो कभी फरामोश नहीं कर सकती। शर्मिला ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन्हें पदयात्रा करने की जा सकती है। अदालत के अहकामात का एहतराम ना करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर पुलिस के कंधों पर बंदूक रखते हुए मुझे निशाना बना रहे। गैर मुइना मुद्दत की भूख हड़ताल करने पर उन्हें और उनके कारकुनों को बंदी बना लिया गया है। लोटस पॉन्ड पहुंचने वाले तमाम रास्तों के हिसार बंदी करते हुए चेक पोस्टर्स कायम कर दिए गए हैं। मेरी पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया और उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है। उनके लिए कुर्बानियां देने वाले पार्टी कारकुनों से वो इजहार तशक्कुर करती है और वो बहुत जल्द दोबारा आवाम के दरमियान मौजूद रहेंगी।